नागपुर मंडल आरपीएफ पुलिस द्वारा गुप्त जानकारी के आधार पर ट्रेन नंबर 12146 से कुल 10 किलोग्राम बंडल गांजा जिसकी कीमत कुल 2,02,440 बताई जा रही है लोहमार्ग पुलिस द्वारा बरामद किया गया है। दिनांक 9/3/2022 को मुखबिर खास से सूचना मिली कि ट्रेन नंबर 12146 पूरी LTT एक्सप्रेस में कुछ गांजे की तस्करी की जा रही है। सूचना के अनुसार श्रीमान वरिष्ठ मंडल सुरक्षा श्री आशुतोष पांडे साहब के मार्ग निर्देशन में एक टीम गठित की गई, जिसमें मैं नागपुर इंस्पेक्टर और क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर श्री मिश्रा साहब और उप निरीक्षक RK यादव, सहायक उप निरीक्षक अश्विन पवार और स्टाफ की एक टीम बनाई गई। टीम ने उस ट्रेन को चेक किया। चेक करने पर ट्रेन के जनरल कोच में D1 कोच में दो व्यक्ति संदिग्ध मिले, जिनके पास से दो व्यक्ति जिनका नाम है राम अचल रामस जीवन कुर्मी उम्र 45 ईयर, दूसरा राजू राम लखन लाल कलम उम्र 38 ईयर, दोनों रहने वाले हरदा मध्य प्रदेश के हैं। उनके पास दो बैग में गांजा बरामद हुआ, जिनका वजन करने पर कुल 20 किलो से ऊपर का गांजा मिला है, जिनकी अंदाजन कीमत 2,04,000 के ऊपर है और दोनों पकड़े गए आरोपियों को GRP नागपुर को सुपुर्द किया गया है, जहां उनके खिलाफ मादक पदार्थों की तस्करी के तहत जो भी मामला पंजीकृत करके आगे की जांच जारी है। सर, कुछ जानकारी मिलेंगी कहां से लाए थे, कहां लेके जा रहे थे कुछ? ये उड़ीसा से चढ़े हैं ट्रेन में और यहां नागपुर से होते हुए हरदा जाने वाले थे, ये शायद भुसावल से फिर बाई रोड निकलने वाले थे, ऐसा इनका बताना था। उनकी उम्र क्या है, इनके ऊपर कभी कुछ और कुछ कभी पकड़े गए थे, ऐसा कुछ गुनाह दाखिल है, क्या बताना चाहोगे? नहीं, मेरे पास अभी इस मामले में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है और शायद उम्र तो इनके अंदाजन एक की 45 दूसरे की 38 ईयर है।